हेलो फ्रेंड्स, ईशा किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नए तरीके का केक बता रहे हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, पिनाटा केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को ऐसा एक सिलिकॉन का मोल्ड चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें हमने एक बार मिल्क चॉकलेट डाल दिया है, अब हमको दूसरी बार डालना है। इसको 3-4 कोटिंग करना पड़ता है। इसको मेल्ट चॉकलेट को इसमें डालकर पूरी तरफ ऐसे पूरी चारों तरफ आपको ऐसे घुमा दीजिए और इसकी कोटिंग हो जाएगी। इसको आपको 5 मिनट, 2-3 मिनट, ज़्यादा मिनट नहीं, सेट होने में टाइम नहीं लगता है। तो आपको इसको एक मोटी सी लेयर बनानी है, तो इसलिए आपको 2-3 बार करना पड़ेगा इसी तरह। तो अब इसको हम कुछ देर तक, इसको हम बाकी चॉकलेट को ऐसे निकाल लेंगे। इसको ऐसे निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा चॉकलेट ऐसे निकल जाएगी। फ्रेंड्स, आजकल बच्चों को ये बहुत पसंद आ रहा है पिनाटा केक। आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ईजी है, कोई इसमें तामझाम नहीं करना है। बस एक इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, बस ये मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट चाहिए बस। अब इसको आप थोड़ी देर सेट होने दीजिए, फिर हम तीसरी कोट डालेंगे। इसको ऐसे सेट होने दीजिए। देखिए, ये एकदम अच्छे से सूख गया है। इसमें अब एक कोट और डालेंगे ये मेल्टेड चॉकलेट। इसको एक बार फिर से डालेंगे। उसी प्रोसेस से वो पूरा ऐसे ही घुमाएंगे चारों तरफ, उसको कोट हो जाए। फ्रेंड, जैसे पहले अभी किया था उसी तरह इसको कोटेड करेंगे, चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे चॉकलेट को, और एक्स्ट्रा जो रहेगा वो चॉकलेट उसी तरह वापस निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ऐसे पूरा जितना एक्स्ट्रा आएगा वो निकाल देंगे। ये जब तक ऐसे निकलता रहेगा तो आप निकाल देंगे। अभी हम इसको 2 बार और करेंगे, इसमें अच्छा हमको थिक लेयर मिल जाए। देखिए, ये पूरी कोटिंग कर ली है अच्छे से, ये सूख गया है। अब इस मोल्ड को निकालना है हमें, एकदम स्लोली निकालिएगा। वैसे भी सिलिकॉन का मोल्ड बहुत आसानी से निकल जाता है, आपको बस ऐसे निकाल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड, एकदम आसानी से ये निकल गया। देखिए, ये पिनाटा केक का पूरा अच्छे से तैयार हो गया। अब बस आपको इसको डेकोरेशन करना है। फ्रेंड, देखिए, एक छोटा सा मैंने बनाया था हार्ट शेप में, ज़रूरी नहीं है आप बनाएं, ये डेकोरेशन के लिए हमने बनाया है। इसमें ही सारी कैंडी रखेंगे हम। इसको ऐसे रख दीजिए। अब आपको आप इसको कैंडी से भर दीजिए। आपको जो भी कैंडी डालनी है इसमें आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये रखें। हमने होममेड कैंडी ये है मेरे पास, चॉकलेट वो भी डाल देंगे। ये देखिए स्टार है, ये हार्ट शेप में है। अब थोड़े से इसमें जेम्स डाल दीजिए ऐसे। कुछ ऐसे लड्डू डाल दीजिए, ये वाले। ओ, रैपर नहीं भी खोलेंगे तो भी चलेगा, देखने में अच्छा लगेगा।
बस फ्रेंड देखिए इस तरह आप रख लीजिए फ्रेंड। अब ये जो बनाया था इस मोल्ड को आपको इसके ऊपर ऐसे रख देना है। अब आप इस पे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गोल्डन डस्ट आता है फ्रेंड्स, तो इससे आपको इससे शाइनिंग आएगी खूब और अच्छी से आएगी। पूरे चारों तरफ कर दीजिए। फ्रेंड अगर व्हिप क्रीम है तो ही आप कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बनाना ही पड़े, ऑप्शनल है फ्रेंड। फ्रेंड्स देखिए बनके ये तैयार है। फ्रेंड्स देखिए ये बनके तैयार है, अब आप भी ज़रूर बनाइएगा ये पिनाटा केक। आजकल बहुत फेमस हो रहा है ये पिनाटा केक, बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको फोड़ते हैं। फ्रेंड्स ये है आपका पिनाटा केक बनके तैयार, और इसका यूज़ भी हो गया, इसे तोड़ भी लिया गया, अब बस खाने की देरी है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।